चलिए तूफान की तरह देखिए तो सब है ना, कह रहे बाबू फाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करते हैं, हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। चलिए तो हम क्या बताए थे बाबू को, इस टाइप का दो क्वेश्चन मेरा है, पहले हम फर्स्ट वाला को देखेंगे। चलिए देखते हैं, एक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी। देखिए बाबू अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये मेरा कठिन पर हार्ड करेंगे उसी को मान लेते हैं है ना, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा एक्स इंटू बी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो मेरा हार्ड टर्म रहे बाबू उसी को मानिएगा, ए स्क्वायर टी एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू का निकल चुका मेरा डी टी बटा माइनस। अब लिखिए नाउ, चलिए आई ऊपर दिया हुआ है एक्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बटा माइनस टू। देखिए एक बार लिखिए वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखिए साइन में एक्स इंटू टी आई बराबर रखिए वन बटा, इसको क्या पुट किए थे इसको स्थान पे क्या माने थे टी, ये बातों को समझिए। इसका क्या लिखिए वन बटा टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, माइनस वन बटा टू कौन बाहर बचा आपके पास क्या डी टी बटा टी, हाँ इसे लिख सकते हैं वन बटा अंडर रूट डी टी इंटू डी टी माइनस वन बाई टू बचा बाबू आपका टी पर पावर हाफ डी टी बटा टी, आप इस पर डायरेक्ट टी पर पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू पावर ऊपर भी जाए दीजिए बाबू पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में टी पर पावर माइनस पर जान रहे होंगे ना, ये क्लास एक में पढ़ रहे होंगे उधर पावर सेम है ऊपर जाएगा क्या रहेगा पावर माइनस। चलिए मेरी बातों को समझिए, अब इंटीग्रेशन कीजिए माइनस वन बाई टू पावर में आप एक जोड़िए वही पावर से आप भाग देंगे प्लस समझिए माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई पावर जोड़िए तो बचेगा आपका क्या हाफ लेस हो जाएगा तो हाफ बचेगा प्लस में वन बाई टू प्लस थ्री आई बराबर माइनस वन बाई टू प्लस में बाबू टू बटा एक दो दो पावर आपका हो गया वन बाई टू पूरे पेंसिल बचा क्या थी आपका यहाँ पे माइनस टी। चलिए इसको रूट में लीजिए अंडर रूट टी प्लस टी लीजिए आई बराबर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर चलिए तूफान की तरह फिर
क्वेश्चन नंबर दो को देखिए, इसी टाइप का है। सबसे पहले लिखिए आपका सॉल्यूशन, इसमें भी वही बात करिए, अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट दिया हुआ है आपका बाबू, यहाँ पे एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स, बस इसमें करिए कुछ नहीं है ना। अगर आप देखिए जो हार्ड टर्म है बाबू, ये यहाँ पर किसी को पूछते थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पर बोलिए With respect, respect to x, ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स, टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, ये देखिए एक्स इंटू डी एक्स का देखिए हम कभी प्राप्त करते हैं। चलिए एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा तो कुछ नहीं। चलिए इधर ध्यान से देखिए, सिफार नाउ आई बराबर आपका दिया हुआ है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मेरी बात को समझिए, एक बार लिखिए इसको वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स का वैल्यू क्या निकालेंगे, आई बराबर वन बाई टू, बताइए टी पर पावर कितना है, हाफ है ऊपर जल्दी दीजिए बाबू, गाइड करिए वन बाई टू ऊपर जाएगा था टी पर पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी, आई बराबर आपको हो जाएगा वन बाई टी। चलिए इसको इंटीग्रेशन के लिए पावर में एक जोड़िए, वही पावर को आप नीचे लाइए बाबू, भाग दीजिए प्लस सी, आई बराबर हो जाएगा वन बाई टू टी पर पावर हो जाएगा बाबू आपका हाफ, नीचे भी आ जाएगा बाबू हाफ प्लस सी। चलिए वन बाई टू पलटिए इसको, वन बटा वन टू बटा टू बाई वन, टू बाई वन टू बाई वन टू बटा वन टी पर पावर हाफ प्लस पूरे कैंसिल होगा किसान की तरह बचेगा टी पर पावर हाफ प्लस आई बराबर बढ़ गया टी पर पावर वन बाई टू बचा तूफान की तरह देखिए। चलिए आई बराबर आपका हो जाएगा बात है अंडर रूट टी प्लस सी टी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपका राइट आंसर बाबू आई का